कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका जन्म मथुरा की जेल में आधी रात को एक अंधेरी और तूफानी रात में हुआ था। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार में से एक माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य बुराई को समाप्त करना था। जन्माष्टमी आमतौर पर हिंदू महीने के आठवें दिन श्रावण यानी जुलाई या अगस्त में मनाई जाती है। यह बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। कृष्ण मंदिरों इस्कॉन मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत यानी दूध घी तेल शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। लोग रासलीला का आनंद लेते हैं। दही हांडी को विभिन्न इलाकों में बड़ी ऊंचाइयों पर रखा जाता है और इसे तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाए जाते हैं। मथुरा वृंदावन और गोकुल जैसे पर्यटन स्थलों पर लोग भारी संख्या में आते हैं। हर चीज को खूबसूरती से सजाया जाता है और लोग इसे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। To watch my other fun videos, please click those links.